चंडीगढ़ मेयर चुनाव याद होंगे ना आपको, जब सारी प्रक्रिया होने के बाद कैसे कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के 8 वोट रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह के द्वारा इनवैलिड करार दे दिए गए थे और बाद में भाजपा ने अपना मेयर घोषित भी करवा दिया और एक लंबी न्यायिक लड़ाई लड़ने के बाद उस पर फैसला इंडिया गठबंधन के पक्ष में आया था, याद है ना आपको। उस चुनाव में हुई धांधली के बाद निकाय चुनाव के सिस्टम पर सवाल खड़ा हो गया था। ऐसा ही कुछ एक बार फिर राजस्थान के हनुमानगढ़ की भादरा नगर पालिका के चुनाव में देखने को मिला है। हालांकि यहां बैलेट पेपर में कोई धांधली नहीं हुई, लेकिन निर्वाचन अधिकारी जरूर शक के घेरे में आ गए हैं। दरअसल सोमवार को पालिका अध्यक्ष के लिए उपचुनाव होना था। मुकाबला चाचा और भतीजी के बीच था, लेकिन वोटिंग से एन पहले एसडीएम और निर्वाचन अधिकारी अचानक छुट्टी पर चले गए। वहीं वोटिंग के लिए पहुंचे कांग्रेसी पार्षद मतदान शुरू होने का इंतजार ही करते रह गए। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने चुनाव को स्थगित कर दिया। भादरा नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव में कांग्रेस ने बानो कुरैशी को प्रत्याशी बनाया, वहीं भाजपा ने अनवर कुरैशी को मैदान में उतारा। दोनों प्रत्याशी रिश्ते में चाचा भतीजी हैं। कांग्रेस भाजपा के नेताओं का दावा है कि 40 सीटों वाली पालिका में उनके पास बहुमत है, लेकिन दोनों ही पार्टियों को बीते कुछ दिनों से क्रॉस वोटिंग का भी डर था, इसलिए पार्षदों की बाड़ेबंदी भी की गई थी। सोमवार को मतदान के दिन कांग्रेस के पार्षद सुबह करीब 10 बजे वोटिंग के लिए पहुंच गए, लेकिन भाजपा पार्षद नहीं पहुंचे थे और इस बीच निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश चंदेलिया के छुट्टी पर जाने की जानकारी सामने आती है। इसके बाद पालिका ऑफिस में कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा मचाया। पूर्व विधायक बलवान पुनिया ने कहा कि ये काला दिन है, यहाँ लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है। भाजपा की ओर से विधायक संजीव बेनीवाल ने चुनाव की कमान संभाल रखी थी। मतदान से एक दिन पहले कुछ कांग्रेसी पार्षदों की विधायक के साथ एक फोटो भी सामने आई। इसके बाद दोनों ही खेमों में गुटबाजी और क्रॉस वोटिंग की चर्चा हो रही थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार उनके पार्षदों पर कार्यवाही का दबाव बनाते हुए क्रॉस वोटिंग का दबाव बना रही है। हालांकि उनके पास 22 से 24 पार्षदों का समर्थन है, जबकि भाजपा भी पूर्ण बहुमत का दावा कर रही है। अचानक वोटिंग कैंसिल होने से गुस्साए पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन के करीब 3 घंटे बाद पहुंचे अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल स्वर्णकार ने चुनाव आगे के आदेशों तक टाले जाने की घोषणा की है। हालांकि अब एसडीएम के एक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय नेताओं का कहना है कि जिला कलेक्टर भी चुनाव संपन्न करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वहीं निर्वाचन अधिकारी की अचानक छुट्टी क्यों दी गई, इस पर भी संशय है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर लिखा है कि हार के डर से लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली है भाजपा। आज भादरा नगरपालिका उपचुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मतदान होना है। मतदान के लिए 40 में से 21 पार्षद पालिका में मौजूद हैं, लेकिन भाजपा चुनाव में धांधली करने का षड्यंत्र रच रही है। सरकार के दबाव में मतदान से ठीक 5 मिनट पहले एसडीएम आकस्मिक अवकाश पर चले जाते हैं। हार से भयभीत भाजपा चुनाव को टालना चाहती है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार यदि निर्वाचन अधिकारी ने मेडिकल कंडीशन को लेकर गलत जानकारी दी है तो मेडिकल बोर्ड से जांच होगी। निर्वाचन अधिकारी के लौटने पर ही अब चुनाव की अगली तिथि घोषित होगी। अगर वे लंबी छुट्टी पर हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप यूट्यूब के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी, सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। आरएनटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद एआई टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं
जिनमें BCA, BCom, BSc, Bio, Maths, Agriculture, BA, B8, BA B8, BSc B8, BSc, MA, MSc, MCom. बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।